करनाल केंद्रीय के गांव बीबीपुर जटान से नगला रोडान तक जाने वाली सड़क पानी के बहाव में बह गई। यह सड़क लगभग एक दर्जन से अधिक गांव को जोड़ती है। इस प्रकार से इस सड़क के पानी में बह जाने से काफी गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गांव बीबीपुर जटान से नगला रोडान तक जाने वाली सड़क बरसाती पानी के रिसाव से 50 से 60 फुट पानी में बह गई, जिससे सड़क पर आवाजाही रुक गई। ग्रामीणों ने मांग की कि सड़क निर्माण जल्दी से किया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को गत दिवस ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचा। बताते चले कि यह सड़क लगभग एक दर्जन से अधिक गांव को जोड़ती है। इस प्रकार से इस सड़क के पानी में बह जाने से काफी गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ये सड़क गांव बीबीपुर जटान से नगला की तरफ जा रही है, जो दोनों गांव को जोड़ती है, और यहां से आगे बहुत से गांव जुड़ते हैं इस सड़क से। कल शाम को भारी बारिश हो रखी थी, तो भारी बारिश होने की वजह से पानी का जो है रिसाव सड़क के नीचे से होने लग गया, और जिससे जो है ना पानी के रिसाव के कारण सड़क नीचे से ढहनी शुरू होगी, और जिसकी वजह से 50 से 60 फुट सड़क का जो है ना ये गैप बीच में आ गया। और जी कल को ही प्रशासन को सूचना दे दी थी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बात होगी है। अभी तक प्रशासन ने यहाँ पे ना तो आके देखा और ना ही कोई यहाँ पे आके कोई पुख्ता इंतजाम करे। नगला गांव के और बीबीपुर जटान के वासियों ने दोनों तरफ सड़क के पेड़ काट कर रोकथाम लगाई है, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको पता लग जाए, रात को जो है ना कोई बड़ा हादसा होने से टल जाए। हम ये मांग करते हैं कि ये जो सड़क है ना, इससे जो लगभग 10-20 गांव जुड़ते हैं, और इसको जल्दी से जल्दी जो है ना अपना इसको दोबारा से रिपेयर करके इसको ठीक कर दिया जाए, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कोई समस्या का समस्या ना हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।